90 की स्पीड में था, अचानक ब्रेक लेना पड़ा क्योंकि सामने से एम्बुलेंस आ रहा था। तो उस टाइम मुझे फील हुआ कि नहीं, ब्रेक अच्छी है। हल्का सा भी जर्क आता है तो फील होता है कि हाँ जर्क है। 15 लाख रुपये लगा रहा हूँ तो मारुति को थोड़ा सा मीन्स कोई अच्छी सी देनी चाहिए। हेलो एवरीवन, दिस इज अपूर्वा एंड वेलकम अगेन टू द कार डायनेस्टी। आज हमारे साथ में है ऑल न्यू ब्रेजा। आज की इस ऑनर्स रिव्यू में हम इसके स्पेस को चेक करेंगे, क्या एक्चुअल माइलेज मिल रही है, सर्विसिंग कॉस्ट क्या आएगी, ऑनर्स ये भी जानेंगे क्या क्या प्रॉज एंड क्या क्या इन्हें कॉन्स लगी है, और ये भी जानेंगे कि आज की डेट में आपके लिए ब्रेजा कितने फायदे का सौदा बन सकता है। तो चलिए फिर सभी चीज़ों को जानेंगे इन डिटेल में, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो हमारे आज के ऑनर का नेम है ताइसू, जिनका अभी स्टार्टअप बिजनेस है। हेलो ताइसू सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे जानना चाहूँगी, व्हाई ऑल न्यू ब्रेजा, कैसे आपने इसे फाइनलाइज कर लिया? बिकॉज मारुति सबसे पहले इंडियन की पसंद होती है, एंड सेकेंडरी इसका मेंटेनेंस कम रहता है और माइलेज ज़्यादा रहता है। तो इस पर्पज से मैंने ऑल न्यू ब्रेजा चूज किया, क्योंकि इसमें फर्स्ट गाड़ी है मारुति की जिसमें सनरूफ भी दे दिया, तो ये एक और प्लस पॉइंट बन गया था, तो मुझे इस पर आना पड़ा। ओके, और भी तो कुछ फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से आप इसके ऊपर अट्रैक्ट कर गए होंगे? ऑब्वियसली बात है, इसके लुक, इसका लुक डुअल टोन में मैंने देखा, बाकी इस सेगमेंट में जो भी गाड़ी है तो उसके कंपैरेटिव में ये गाड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इसका लुक मिनी रेंज रोवर एज अ लोग कह रहे हैं कि लग रही है, तो मुझे भी पसंद आई। ऑल राइट, वो तो है ही, स्टैंड आउट कर रही है कहीं ना कहीं अपने सेगमेंट में ये जी। एंड कलर भी आपने काफ़ी प्रीटी लिया है। शुक्रिया, थैंक यू। और उसके बाद से मैं आपसे जानूँ बेसिकली आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या थी, जैसे होता है ना कि गाड़ी आप कई समय से इसे रिसर्च कर रहे होंगे, सो कितने समय के बाद आपको ये गाड़ी मतलब फाइनलाइज आपने करना पड़ा? कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए था, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वो गली भी थोड़ा छोटा है, तो उसमें आराम से चला जाए, ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा हो इसका, जो बाकी मैंने इस सेगमेंट में देखा तो इसका ठीक लगा मुझे, इसलिए मैंने ये लिया। ऑल राइट, उसके बाद से मैं आपसे जानूँ, कोई भी गाड़ी देखते हैं तो ऑप्शंस वगैरह ज़रूर देखते हैं, सो आपने कौन कौन से ऑप्शंस देखी एंड कितने साल बाद आपको ये गाड़ी जाके मतलब कितने रिसर्च करने के बाद आपको जाके ये पसंद आई? एक्चुअली मैंने सबसे पहले तो देखा था यही गाड़ी आज से 2 साल पहले, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न बिजनेस पर्पज से मैंने छोड़ दिया प्लान। अब फिर कोरोना आ गया, उसके बाद मैंने गया ये किया सोनेट पे, तो सोनेट का किया गया, ऑब्वियसली बात है आप लोग भी जानते होंगे कि सेफ्टी फीचर्स नहीं है, कोई रेटिंग है क्या है नहीं पता, और उसमें ब्लैक वेटिंग ज़्यादा था, दे नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ के फिर नेक्सॉन गया। नेक्सॉन में भी वही है कि भीड़ से मुझे थोड़ा हट के रहना पसंद है, तो आजकल नेक्सॉन बहुत ज़्यादा हो गया रोड पे, तो उसका लुक भी थोड़ा पीछे से मुझे ऑड लगता है, तो उस यही सब मैं देख रहा था कि इसका रेटिंग काफ़ी अच्छा था, 4-स्टार रेटिंग इसको शायद सुनने में मिला है, और लुक भी काफ़ी अच्छा है, मारुति है, तो इसलिए मैंने लास्ट में ये ऑप्शन चूज़ किया। हालांकि नेक्सॉन भी काफ़ी गुड प्रोडक्ट है अपने इंडियन मार्केट के अंदर, सो मतलब क्या फैक्टर था कि आपने उसे छोड़ ही दिया? मतलब क्योंकि इस रेंज में मुझे वो सब फैसिलिटी उसमें नहीं मिला था जो इसमें दे रहे हैं, इसमें वायरलेस चार्जर दे दिया है, 6 एयरबैग दिया है सेफ्टी पर्पज से, उसमें वो नहीं दे रहा था। ओके, और भी कई सारी फीचर्स हैं जो कि इसमें है और उसमें नहीं है। हो सकता है, बट मुझे ये पसंद आया क्योंकि मुझे मेंटेनेंस भी देखना है ना, सर्विस के टाइम जाएंगे वहाँ कैसा सर्विस मुझे प्रोवाइड होता है वो भी देखना है मुझे। ऑल राइट, क्योंकि टाटा का मैंने सुना है अच्छा नहीं है। ओके, उसके बाद से मैं आपसे जानना चाहूँगी ये ब्रेजा की कौन सी मॉडल है, और बेसिकली मैं आपसे पूछूँ आपने इसे कब लिया? ये ब्रेजा की टॉप मॉडल है, टॉप मीन्स ऑटोमेटिक से जस्ट एक नीचे, मैनुअल में टॉप मॉडल है, और ये मैंने 11 अगस्त को लिया। ऑल राइट, राखी के दिन। ओके, सो इसकी ZXi+ की ऑन रोड प्राइसिंग आपको क्या गई? इसका ZXi+ वही 14 लाख 60 हज़ार के लगभग ऑन रोड मुझे पड़ गया। ओके, सो बेसिकली अभी गाड़ी लिए तो ज़्यादा दिन हुए नहीं है, बट फिर भी मैं आपसे जानूँ कि सिटी और हाईवे में अभी तक की एक्सपीरियंस ब्रेजा के साथ में कैसी रही है? सिटी में तो काफ़ी अच्छा है, स्मूथ है गाड़ी, काफ़ी स्मूथ है, आप बैठोगे अंदर तो आपको फील नहीं होगा कि हाँ गाड़ी चल रही है, काफ़ी रिलैक्स, और इसमें 6 लोग पीछे भी 4 लोग पतले पतले आराम से बैठ जाते हैं और मोटे मोटे भी 3 लोग बैठ जाते हैं, जो कि नेक्सॉन में नहीं था, ये भी एक रीज़न था कि नेक्सॉन में जब हम लोग बैठे सीटिंग पोजीशन तो साइड वाला लोग अनकम्फर्टेबल था, जो कि इसमें नहीं है। ओके, उसकी विड्थ कम लगी यानी आपको? विड्थ कम थी उसमें। ओके, थोड़ा सा, जो कि इसमें नहीं है। सो सिटी ड्राइविंग के लिए तो आपको ये बेटर लगी, आपने बताया मुझे, स्पेस वाइज भी काफ़ी ठीक है, सफिशियंट है। सो मैं आपसे पूछूं हाईवे पे कैसी चलती है गाड़ी? एक्चुअली हाईवे पे ज़्यादा नहीं चलाएं, लेकिन जितना भी चलाएं अच्छी है। ऑलराइट, पर्सनल ज़्यादा हम प्रो राइडर नहीं है, बट जितना जानते हैं अच्छी चल रही है, फाइन, कोई दिक्कत नहीं हुआ अभी तक। ओके, लेकिन मैं खुद एक ब्लॉगर रह चुका हूँ तो मैं भी रिसर्च करके ही गाड़ी लेता हूँ। वो एकदम आपके रिसर्च से मुझे पता चल रहा है, आपके आंसर से, कि आपने काफ़ी रिसर्च करके ली है, 1 साल बाद आपने बताई इसे फाइनली आपने इसे कंसीडर किया। जिस दिन ये लिए तो उस दिन 35 डिलीवरी हुआ था गाड़ी का। वाह, सोचिए ब्रेजा का भी मार्केट क्या पकड़ रहा है।
इसके बाद से मैं आपसे पूछूं, इसके इंजन रिफाइनमेंट के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, इंजन परफॉर्मेंस से कितने सेटिस्फाइड है, थोड़ा सा इलोबोरेट करके बताना चाहेंगे? जैसे कि मैं एक नया ड्राइवर हूँ, मुझे तो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन मेरे लिए ये गाड़ी काफ़ी स्मूथ है, तो आप मीन्स गाड़ी रुकता नहीं है, कितना भी होता है, तो एज अ न्यू ड्राइवर के लिए ये गाड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है, तो जो प्रो राइडर उनके लिए और अच्छी बात होगी। ओके, सो कहीं से भी आपको ऐसा लगा कि एक्सेलरेशन जब भी आप मतलब देते हो तो थ्रॉटल वगैरह जब भी आप देते हो तो लगा कि पावर में थोड़ी सी लैग कर रही है? नहीं, अभी तक तो नहीं लगी। ओके, और एज वेल एज अब मैं आपसे ये भी पूछूँ, इंजन के बेसिस पे एक और क्वेश्चन आया था, इंजन नॉइज फील होती है अभी तक इसके अंदर, हुई है? बिल्कुल भी नहीं। किसी भी तरीके के वाइब्रेशंस? नहीं। ओके, ऑल राइट, थैंक यू सर। उसके बाद से मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, इसको जो ग्राउंड क्लियरेंस अभी मिल रहा है, सो आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, कम लगता है? नहीं, मेरे लिए ठीक है, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं उस हिसाब से ठीक है, इसीलिए मैंने सब कुछ चेक करके ही लिया। ओके, सो इसकी सस्पेंशन ट्यूनिंग की अगर हम लोग बात करें, स्टीफर साइड और स्मूदर साइड, और अच्छा हो सकता था। ओके, थोड़ी सी और अच्छी हो सकती थी, क्योंकि हल्का सा भी जर्क आता है तो फील होता है कि हाँ जर्क है। हाँ, वही मैं पूछना चाह रही थी कि जर्क वगैरह कितना फील होता है आपको? थोड़ा सा फील होता है। सो इस तरीके से तो देखा जाए तो पीछे वाले जो पैसेंजर उन्हें ज़्यादा फील होगी? बिल्कुल। ओके, सो ये बातें हैं। और मैं आपसे पूछूं, आप तो नाइट ट्रैवल बेसिकली करते होंगे, सो इसकी जो लाइट्स है प्रोजेक्टर बेस्ड मिल जाती है, LED प्रोजेक्टर, सो इससे कितने सेटिस्फाइड है, थ्रो कैसी है, बेसिकली पावरफुल है या नहीं? पावरफुल है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। थ्रो से डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं है ना, बिकॉज एक सेफ्टी पार्ट में आती है ये सब चीज़ें। बिकॉज मैंने एक काफ़ी ब्लैंक रोड था, उसमें भी जाके चेक किया, इसकी व्यू काफ़ी अच्छी है। ओके, मीन्स रात में इसका लाइट ठीक है। फाइन, और इसके स्टीयरिंग फीडबैक के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, और जैसा कि एक मैनुअल है ये, सो गियर शिफ्टिंग में किसी भी तरीके का अभी तक परेशानी नहीं? झूठ क्यों बोलूँ, नहीं हो रही है। ओके, मैं नया ड्राइवर हूँ, फिर भी मुझे नहीं हो रही है, तो फिर बाकी लोगों को तो बिल्कुल नहीं होगी। और मैंने ये भी पूछा कि हैंडलिंग से हैंडलिंग कैसी है इसकी? हैंडलिंग काफ़ी स्मूथ है, मीन्स एक उंगली से नच जाती है गाड़ी, मतलब मैन्यूअल करना और भी आसान हो जाता है इसे। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं आपसे पूछूं, आपको एवरेज क्या मिल रही है अभी सिटी में, जहां तक आपने चलाया है? मुझे 10.5, इसमें सारा कुछ स्पीडोमीटर शो करता है, आप चेक कर सकते हो, 10.5 अभी दे रहा है, बट कंपनी भी क्लेम कर रही है 17-18, लेकिन हम मान के चल रहे हैं 15-16 भी दे दें तो मेरे लिए काफ़ी। ओके, सो आपको ऐसा लगता है, डू यू फील कि ये आगे आने वाले टाइम में आपको हाईवे पे 14-15 तो दे ही देगी? हाँ, आराम से। ओके, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इससे। और इसके अलावा तैसो सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, बाइंग एक्सपीरियंस कैसी रही ब्रेजा के साथ में? बाइंग एक्सपीरियंस थोड़ी सी और अच्छी हो सकती थी, क्योंकि मुझे शोरूम से थोड़ा अनसेटिस्फाइड फील हुआ है, बिकॉज वहाँ डिलीवरी टाइम थोड़ा सा होता नहीं है, मीन्स लाइक क्या जैसे होना चाहिए वैसे नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि आपको शोरूम से उतनी सेटिस्फाइड रिस्पॉन्स नहीं मिली? जी। ओके, ये बात है। और इसके अलावा जो इसके अंदर जो बूट स्पेस मिल जाता है ब्रेजा के अंदर, मतलब जगह कम लगती है या फिर ठीक है? अभी तक तो हम यूज़ नहीं किए, बट मेरे लिए कंफर्टेबल है, क्योंकि मेरी फैमिली स्मॉल है, ज़्यादा है नहीं, तो इसीलिए सही है। सो मोर देन सफिशियंट है। और मैं बात करूँ इसके अलावा सर्विसिंग कॉस्ट क्या लग सकती है आने वाले फ्यूचर टाइम में, अप्रोक्सीमेटली अगर आइडिया है तो? मुझे तो आइडिया नहीं है, बिकॉज मेरी पहली कार है, बट जैसा मैंने सुना है कि मारुति की सर्विसिंग मेंटेनेंस कम होती है, तो जो नॉर्मल होगा वही होगा। ऑल राइट, और उसके बाद जब भी आप चलते हो रोड पे, सो जब भी आप हाई स्पीड मैक्सिमम स्पीड आपने जितना भी टच किया अब तक, तो ऐसा लगा कि गाड़ी थोड़ी सी भी मतलब स्टेबल नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ बॉडी रोल वाला कुछ सीन है। 110-120 तक लास्ट चलाया हाई स्पीड, तो उसमें मुझे अनस्टेबल नहीं लगा। ओके, उससे आगे क्या है ये मैं बता नहीं सकता। ओके, और की जो ब्रेकिंग है वो कहाँ तक मतलब आपको ऐसा लगता है कि इंस्टेंट लेती है, ब्रेक इंस्टेंट लग जाती है, कितनी कैसी फीडबैक है? ऐसा तो अभी तो ऐसा नहीं हुआ है, बट एक इसी रोड पे हाईवे पे वन टाइम मैंने 90 की स्पीड में था, अचानक ब्रेक लेना पड़ा क्योंकि सामने से एम्बुलेंस आ रहा था, तो उस टाइम मुझे फील हुआ कि नहीं ब्रेक अच्छी है। ऑल राइट, सो उस समय लगा मुझे जो बुरा लगेगा मैं डायरेक्ट बोल दूंगा बुरा लगा, लेकिन जो अच्छी है वो अच्छी बोलूंगा। एकदम एकदम, मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इसका ये मुझे स्पॉन्सर किया है, मैं इसको नो ऐसा कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू इसकी ओपिनली आप सभी से शेयर कर रहे हैं। मैं तो कहना चाहूँगा कि लोग किया सोनेट ले रहे हैं, उससे अच्छा कि ये ले लें। ऑल राइट, वो भी हम आपसे जानेंगे कि क्या 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 रीजंस है जो कि कस्टमर्स को या फिर व्यूअर्स को इसे कंसिडर करना चाहिए। ब्रेजा के अंदर कई सारे सेफ्टी फीचर्स इंक्लूड कर दिए गए, 6 एयरबैग्स आ गए, 360 कैमरा भी है इसके अंदर, सो खुद को कितना सेफ फील करते हैं इसके अंदर? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने टॉप मॉडल इसीलिए लिया था क्योंकि इसमें 6 एयरबैग है, उससे जस्ट एक मॉडल नीचे उसमें नहीं दे रहा था, तो मैंने सोचा कि सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाए, और सेकेंडरी कि इसमें 360 कैमरा दिया हुआ है जो कि मेरे जैसे ड्राइवर के लिए अच्छा है, बहुत यूज़फुल है। अब अकेले हैं, आगे क्या है, साइड में क्या है, इसमें हर चीज़ का व्यू दे रहा है, और इसमें सुजुकी कनेक्ट भी दिया हुआ है, क्योंकि एक बार मैंने इसको लॉक करना भूल गया था। ओके, हम कहीं और थे तो फ़ोन पे आ गया था नोटिफिकेशन कि लॉक नहीं है। ओके,
तो यही सब कुछ सेफ्टी फीचर जो अच्छी है। एकदम एकदम। बाकी गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, 4-star रेटेड पहले भी रह चुकी है ये, और मारुति का भी कहना है कि 5-star ये स्कोर कर सकती है। ये तो अच्छी बात है, मेरे लिए बेटर होगा। सो आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला, वेल सेड ताईसु सर, की सेफ्टी को मैंने कंसर्न दिया यहाँ पे। सो आप लोग भी गाड़ी लेने से पहले सेफ्टी को जरूर कंसर्न दें। तो चलिए फिर चलते हैं इसके इंटीरियर में और ताईसु सर से जानते हैं कि इनके लिए इसके अंदर क्या क्या कन्वीनियंट यानी सुविधाजनक फीचर्स मिल जाती है और क्या क्या ड्रॉबैक्स लगी है। चलिए स्पेस को चेक करते हैं, सभी चीज़ों को देखते हैं अंदर। उससे पहले अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही हो तो आप वीडियो को प्यार से लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फिर चलते हैं इसके इंटीरियर में। सो ताईसु सर, अभी हम लोग आ गए इसके इंटीरियर में। पहले से अगर कंपेयर करो तो काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट फील करा रही है, काफ़ी नीट एंड रिफ्रेशिंग लग रही है। सो आपका क्या व्यू है इसके लुक के ऊपर, एंड एज वेल एज मैं आपसे जानूँ क्या क्या यूजफुल फीचर्स आपको अभी तक लगे हैं इसके अंदर? सबसे पहला तो इसमें यूजफुल फीचर जो मुझे लगा है ये HUD, क्योंकि मैं इसको नहीं देखता हूँ, सामने यही दिख रहा है मुझे, उसी में मेरा काम चल जाता है। एज सेकेंडरी बाकी इंटीरियर मुझे अच्छी लगी है, काफ़ी नीट एंड क्लीन है या पहले के मुकाबले। या सो प्रीमियम फील कराती है ऑब्वियसली। थोड़ा सा और लेदर सीट हो जाना चाहिए था, कुछ कुछ मिसिंग है जो होना चाहिए था। ऑलराइट। और यहाँ पे जो टच स्क्रीन दी गई है, बड़ी सी बिग टच स्क्रीन मिल जाती है ब्रेजा के अंदर। सो अगर हम लोग उसके टच रिस्पॉन्स को देखें तो आपको कैसी लगती है इसकी टच रिस्पॉन्स? फिलहाल तो आप खुद चेक करके देख लो, वो मुझे बहुत क्विक लग रही है। हाँ तो बस वही है, आप कहीं भी जाना चाहे, म्यूजिक हो कुछ भी हो, वन टच में काम कर रहा है। ओके, वो काफ़ी अप्रिसिएबल है इसकी, मतलब टच रिस्पॉन्स कमाल की है। और इसके अंदर 360 कैमरा मिल जाती है जो कि एक सेफ्टी फीचर्स है। या सो अगर हम लोग इसकी क्लैरिटी की बात करें, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? कैमरा क्लैरिटी इसकी काफ़ी अच्छा है, सबसे बेस्ट मुझे यही चीज़ इसमें लगा, क्योंकि आगे मिस एक्यूरेट जो होता है वो पीछे सब बता रहा है मुझे। ऑलराइट। और उसके बाद से मैं आपसे पूछूं, इसकी जो एसी है कितनी एफिशिएंट है, कूलिंग फैक्टर कैसी है इसकी? एसी अभी तो नई गाड़ी है सबसे पहला चीज़, तो काफ़ी अच्छा है। मीन्स नॉर्मल अभी 23 पे है, फिर भी आप फील कर रहे हो कि हाँ चिल्ड है पूरा। यहाँ अच्छी बात है। ऑलराइट। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक और यूज़फुल फीचर मिल जाती है, ऑटो डिमिंग IRVM, ये कितना यूज़फुल होता है आपके लिए नाइट के टाइम में? फिलहाल तो मुझे इस बारे में थोड़ा आइडिया नहीं है। ओके, आई कांट से अबाउट इट। ऑलराइट। तो ताईसु सर अभी इसे यूज़ नहीं किए हैं, बाकी आपके कार में है तो इसे ज़रूर यूज़ करें, बिकॉज ये एक सेफ्टी फीचर्स है, इसे इग्नोर ना करें आप लोग। ऑलराइट। उसके बाद से हम लोग इसके म्यूजिक सिस्टम की बात करें, अरकामिस के इसके अंदर आपको साउंड सिस्टम मिल जाते हैं। सो कैसे हैं, एक बार हम लोग इसके स्पीकर से साउंड टेस्ट शो कर लेते हैं एक बार चेक। मतलब आपका व्यू क्या है इसके ऊपर, इसके साउंड स्पीकर्स का आउटपुट कैसा है? अच्छी हो सकती थी, बस यही है। ओके, क्योंकि लो वॉल्यूम पे भी थोड़ा फील होता है और हाई वॉल्यूम पे भी थोड़ा ही फील होता है। ऑलराइट, और अच्छी हो सकती थी। सो ये तो हो गई इसके स्पीकर्स की बातें। अगर हम लोग स्पेस मैनेजमेंट की बात करें आगे वाले केबिन में, सो यहाँ पे स्पेस भी काफी आपको सही मिल जाती है। हाँ, आपकी हाइट 6 है। हाँ, अप्रोक्स 6 है, 1 इंच कम है, बट मेरे लिए कंफर्टेबल है। बाकी हम लोग देखिए यूजफुल फीचर में, अगर कोई फैमिली ले रही है फिर कोई भी ले रहे हैं, तो यहाँ पे चार्जिंग जो पोर्ट्स है सफिशिएंट है, 12 वॉट की पावर आउटलेट और एक अनदर इज USB पोर्ट जी, और यहाँ वायरलेस चार्ज भी है, तीनों फैसिलिटी है। सो फीचर्स के मामले में कह सकते हैं आप जो ब्रेजा है, हाँ बाकी लोगों को टक्कर दे रही है ऑलरेडी, आप देख ही सकते हैं मार्केट पकड़ रही है। या तो इसमें हम रेस में थोड़ा आगे हो गए हैं, बस और क्या। ऑलराइट ताईसु सर, अब हम लोग इस ब्रेजा के दो थॉट साउंड को सुनना चाहेंगे सेकंड रो में जाने से पहले, कैसा फील आता है बेसिकली? बिल्कुल। सो हाउ इज द जोश? यस, जोश तो आ रही है, क्योंकि आवाज करती है तो अच्छा फील होता है। ओके, लगता है ना कि मैं एक सेफ कार के अंदर बैठा हुआ हूं। हां, ऑलराइट, छुई में कार नहीं होती है। ओके, चलिए चलते हैं इसके सेकंड रो में और देखते हैं स्पेस मैनेजमेंट किस तरीके से, मतलब मारुति ने काम किया इसके ऊपर। बिल्कुल, चलिए। ऑलराइट ताईसु सर, हम लोग आ गए हैं इसके सेकंड रो में। स्पेस मैनेजमेंट अगर देखा जाए और आपकी हाइट अप्रॉक्स 6 feet है, सो किस तरीके से आपको यहाँ पे स्पेस मिल रहा है और कितने लोग बैठ पाएंगे एडल्ट? फिलहाल मुझे तो काफ़ी रिलैक्स है, बैठने के बावजूद भी मुझे इतना स्पेस दिख रहा है। ओके, रिक्लाइन एंगल कैसी है अगर मैं पूछूं तो? मैं आपके लिए भी ठीक है, मेरे लिए भी ठीक है। मेरे तो सफिशियंट है, सफिशियंट लेग स्पेस है, एंड रिक्लाइन एंगल भी बोले तो ठीक है, थोड़ा सा और रिक्लाइन एंगल मेरे ख्याल से थोड़ा और बेटर हो सकता था, एंड थाई सपोर्ट इज एवरेज, सही है। बाकी अगर हम लोग देखें यहाँ पे आपको फैसिलिटी के तौर पे यहाँ पे दो AC वेंट मिल रहा है, दो AC वेंट्स हैं एंड चार्जिंग स्लॉट्स हैं, ए और सी टाइप दो, बोथ।
सो इसके अंदर कितने अडल्ट इजी बैठ पाएंगे आप मुझे बताइए, फैमिली बैठी होंगी उनके लिए कैसी है? मेरे जैसे स्लिम फिट 4 बैठ जाते हैं, आप जैसे 3 बैठ जाएंगे। ओके ओके ऑलराइट। सो आइए अब पैंटी से जानते हैं कि इसके अंदर इन्हें क्या क्या ड्रॉबैक्स लगी हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक है इसका म्यूजिक सिस्टम, जो कि थोड़ा सा और अच्छा हो सकता है, क्योंकि मैं 15 लाख रुपये लगा रहा हूँ, तो मारुति को थोड़ा सा मीन्स कोई अच्छी सी देनी चाहिए, जैसे लाइक हारमोन हो गया, बॉस हो गया, वो देनी चाहिए थी। सेकेंडरी इसकी रिंग मीन्स सॉरी सेकेंडरी इसकी चाबी, ओके, जो कि एज यूजुअल पुरानी जैसी, क्योंकि मैंने तो फर्स्ट टाइम लिया, मेरे पास पहली गाड़ी है, लेकिन लोग देखे हैं तो वो बोले ये तो वही सदियों से चली आ रही है, ऐसा मैंने सुना है। Definitely, सदियों से चली आ रही है। वही चाबी है, उससे थोड़ा और बेटर हो सकता है, जैसे बूट खोलना है तो उसके लिए एक अलग से ऑप्शन देना चाहिए था, जो हम लोग को हैंडली करना मीन्स मैनुअली करना पड़ता है। और इसका थोड़ा सा जो सीट का है, सीट में वेंटिलेटर देना चाहिए था, क्योंकि इस रेंज में और सब गाड़ी दे रही है, जैसे CS 100 में भी प्रोवाइड कर रहे थे, जो कि इसमें नहीं कर रहा है। तो बस वही 3-4 खामी है जो मुझे फील हुआ अभी तक। ओके, यही सब छोटी छोटी चीजें जो कंपनी सही कर दे तो एक बेटर प्रोडक्ट बन जाएगा ये। फिर इस सेगमेंट में लोग यही कंसीडर करेंगे। फाइन, थैंक यू सर। इसके बाद मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये न्यू ब्रेजा आप किसे कंसीडर करना चाहेंगे, किस तरह के बायर सेगमेंट्स के लिए ये कार बनी हुई है स्पेशली? जिनको सेफ्टी से खिलवाड़ नहीं करना है वो टॉप मॉडल पे जा सकते हैं, जस्ट लाइक मी, क्योंकि मेरे लिए 360 कैमरा मैटर करता है, सेफ्टी मैटर करता है, बिकॉज लाइफ एक ही बार मिली है, दोबारा नहीं मिलेगी, जाने तो जहाँ है। हाँ, सिंपल सी बात है। नहीं तो इसका जो इससे जस्ट एक नीचे मॉडल है 13 लाख में वो आ जाता है, आप उसमें जा सकते हो, क्योंकि मैंने रिसर्च किया है, वेन्यू देखा, उसका मॉडल पुराना जैसा था, अब नया क्या आया है मुझे नहीं पता, फिर आपको किया सोनेट हो गया, उन सबसे मुझे बेटर ये लगा। ऑलराइट, क्योंकि सेफ्टी भी है, लुक भी है, आई कैचिंग है, अभी रोड पे सबसे प्लस पॉइंट है ये। अभी भी जस्ट मैं आ रहा था, लोग मुड़ के देख रहे हैं कि हाँ कौन सी गाड़ी है। ओके, हेड टर्नर लुक बन गई है या एक अच्छा लगता है, फील आती है। या थैंक यू सो मच ताईसु सर, इतना डिटेल में एक्सपीरियंस इसकी इतनी अच्छे से शेयर करने के लिए। थैंक्स फॉर कमिंग। शुक्रिया, थैंक यू, एंड सब्सक्राइब कर लेना इनको कार डायग्नोस्टिक चैनल and give them a well wish. Thank you so much. So ye tha aaj ka detail review on Brezza 2022. Hope you like the video. If you like the video then hit the like button and also do subscribe Car Dynasty right now. So milte hain another exciting video ke sath mein. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram.